गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो ग्रामर से रिलेटेड है। तो टॉपिक हमारा जो है वो है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, कितने आर्टिकल हैं और इनका इस्तेमाल कहां कहां पे होता है। बट इस आर्टिकल्स एंड वी डू वी हैव यूज दिस आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस हियर, मैं अभी आपको यहां पे बताऊंगा कि आर्टिकल जो है ये क्या होता है। तो बेटा आपको ए एन और द, ये तीन ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। ए एंड द और इनका इस्तेमाल, इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा। सबसे पहले जब बात करें हम ए की, ए जो होता है कोई भी ऑर्डिनरी थिंग्स जो होती है, कोई भी ऑर्डिनरी थिंग्स के साथ आ सकता है। कैसे, जैसे ए कार, अ बॉय, अ मैन एक्स्ट्रा। तो ए जो है इसका किसी भी ऑर्डिनरी चीज के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है एन। एन जो होता है जब भी कोई वॉवल साउंड होती है। देखिए वॉवल 20 तरीके से होते हैं, इनको हम 12 और 8 में बांटते हैं, 12 एंड 8, मोनोप्टांग और डिप्टांग होते हैं। तो बेसिकली हम छोटी क्लासेस में वॉवल जो है वो 5 लेते हैं, ए ई आई ओ यू। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई वॉवल साउंड होगी उस समय हम एन का इस्तेमाल करते हैं, एन का यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं, एन ऑरेंज, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट। जब भी कोई अ आ ई ओ उ इस तरीके की साउंड होती है उस समय हम एन का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पे हमने देखा है कि एच ओ एन ई एस टी, जे होनेस्ट नहीं होता, जे ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट उर्दू में आपको बताऊंगा, जे आ से पढ़ता है और हिंदी से ये ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट होता है ईमानदार, वफादार। ही इज एनेस्ट मैन, नॉट ए होनेस्ट मैन, जहां पे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे हम अगर सोचेंगे कि ओ ए ई यू ये तो वाउल आ रहे सारे, तो एच तो नहीं है, तो जहां पे कैसे आ गए। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कहा था जब वाउल साउंड होती है उस समय हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरी जहां पे आता है दो का इस्तेमाल कहां पे होता है। दो का इस्तेमाल हम बहुत ही मशहूर आदमी जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फेमस पर्सन के साथ लगाते हैं। फेमस पर्सन के साथ। दूसरा जो हिस्टोरिकल थिंग्स है उसके साथ लगाते हैं, द जामा मस्जिद, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। और तीसरा हम समुद्र के साथ, ओ सी ए एन एस, ओशन के साथ लगाते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर के साथ लगाते हैं,
नॉर्थ ईस्ट बैट साउथ पेपर्स, इनके साथ हम लगाते हैं द। इसके बाद रिवर्स जो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनके साथ भी हम दार का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द गंगा, द कृष्णा, द कबेरी, द ब्रह्मपुत्र, द हिमालयाज, हिमालयस। तो सबसे पहले ए जो है वो किसी भी ऑर्डिनरी चीज के साथ हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, एन जो होता है वो वॉल साउंड के साथ लगता है, और द जो है वो फेमस पर्सन, हिस्टोरिकल थिंग्स, ओशंस, न्यूज़पेपर्स, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ हम द लगाते हैं, रिवर्स के साथ लगाते हैं, ओशंस के साथ लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन जो आज का ग्रामर में है रिलेटेड टू आर्टिकल्स, ये आपको समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को कमेंट्स मुझे आएंगे, और कल हम दोबारा ग्रामर के किसी और पोर्शन पे लेके जहाँ उपस्थित होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी समझ आएगी और इससे रिलेटेड आप बाकी सवाल को साल कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।